सीएसआर के माध्यम से और खास करके गुरुग्राम जैसे शहर में आप लोग ये जो प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं जिसमें वायु प्रदूषण जितना बढ़ रहा है उसको शोधन करने के नाते वायु शोधन केंद्र जो आपने बनाया है प्रोजेक्ट एयर केयर, ये बहुत अच्छा एक उदाहरण है जिससे हम अपने सब शहरों में, अब गुरुग्राम चौके एक सबसे बड़ा हमारा शहर है, आइकॉनिक सिटी है, स्मार्टेस्ट सिटी है और इसका नाम न केवल देश में बल्कि दुनिया में ख्यात है। तो यहाँ की वायु शोधन केंद्र अगर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा करके लोगों के जीवन को एक शुद्ध वायु ये ग्रहण करने का एक अवसर प्रदान करते हैं तो दीर्घायु होंगे, स्वस्थ होंगे और ये जो शहर, इसमें जो भी कोई हम काम करते हैं तो इसका असर बहुत दूर तक जाता है। गुरुग्राम क्योंकि जो बड़ी कंपनियां हैं फॉर्चून 500 उसमें से लगभग 250 कंपनियों के तो जो कार्यालय अपने हैं, हेडक्वार्टर्स हैं, वो गुरुग्राम में ही हैं और हज़ारों की संख्या में यहाँ वहाँ के एम्प्लॉइज काम करते हैं, लाखों लोग जो बाहर से आते हैं और यहाँ पर चाहे उद्योग में काम करते हैं, व्यापार में करते हैं, सर्विसेज के नाते से काम करते हैं, उन सबको एक सुंदर शहर ये मिले, ये सबकी अपेक्षा है। तो इस अवसर पर मैं आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूँ। इसी प्रकार जो आप लोगों ने गुरुग्राम मैरोली रोड पर गुरुग्राम का जो प्रवेश द्वार है उसके सौंदर्यकरण का जो ये कार्यक्रम लिया है, ये भी वास्तव में शहर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए, कोई भी व्यक्ति दिल्ली मैरोली साइड से यदि आएगा तो इस सौंदर्यकरण के कारण से जैसे ही गुरुग्राम में प्रवेश करेगा, कहते हैं कि प्रवेश करते ही उस घर के अंदर क्या है ये आधे से ज़्यादा कल्पना तो वहीं हो जाती है। तो इसलिए प्रवेश द्वार पर सुंदरता, वहाँ की कैसे हरियाली है, वहाँ सफाई कैसे है, वहाँ पर किस प्रकार के मोनूमेंट बने हैं, ताकि शहर का एक जो करेक्टर है वो प्रवेश द्वार से ही पता लगता है। तो ये आप लोग जो कर रहे हैं इसके लिए भी गुरुग्राम के लोगों को मैं बधाई देता हूँ और इसी प्रकार के प्रवेश द्वार बाकी भी सब तरफ गुरुग्राम के अंदर आने की तरफ, अंदर जाने की तरफ वो बनने चाहिए, चाहे वो दिल्ली के रास्ते हैं, चाहे जयपुर के आने वाला रास्ता है अथवा हरियाणा के अपने जो रास्ते गुरुग्राम में जाते हैं, तो सभी मार्गों पर मैं डीसी साहब को और जीएमडीए के हमारे कुंडू साहब और एमसीजी के सभी लोगों को ये निवेदन करूँगा कि पूरे गुरुग्राम की सुंदरता, स्वच्छता, इसके ऊपर ध्यान करना चाहिए। ये अपने धारणा जो है गुरुग्राम के बारे में ये अच्छी बनाएंगे। आज जिन कंपनियों के माध्यम से ये सराहनीय कार्य हो रहा है जिसमें आई एम गुरुगांव एंड मेक माई ट्रिप, इन कंपनियों के प्रयास जो है वो बहुत सराहनीय हैं। इस सीएसआर में से ये काम करा रहे हैं तो समाज सेवा का ये जो काम है ये लगातार इनकी ओर से बढ़ता रहे। गुरुग्राम की अन्य व्यवस्थाएं भी, वो भी हम चाहे वो प्रशासनिक दृष्टि से हैं, चाहे वो सामाजिक योगदान के नाते से हैं, उनको बहुत अच्छा हम कर रहे हैं। हमारे यहाँ की जैसे सुरक्षा प्रणाली है, स्मार्ट ग्रिड है, स्मार्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ई गवर्नेंस है, स्मार्ट बिल्डिंग है, ई एजुकेशन है, ई हेल्थ है, तो ये जो सारे यानी जो व्यवस्थाएँ हैं इनको अच्छा बनाने के लिए गुरुग्राम के लिए सब चीज़ें की जा रही हैं, ताकि गुरुग्राम जो है हमारे हरियाणा का आइकॉनिक सेंटर होने के नाते दुनिया के लोगों के लिए एक प्रेफर्ड डेस्टिनेशन प्लेस ये बने। गुरुग्राम का विस्तार भी बहुत हो रहा है। अभी जैसे एक जानकारी मैं एडवांस में आपको बता रहा हूँ कि गुरुग्राम में अभी नगर निगम हमारा एक एरिया बहुत बड़ा है, लेकिन मानेसर का जो क्षेत्र है वो इस नगर निगम क्षेत्र से अभी बाहर पड़ता है, लेकिन वो भी चूँकि एक बड़ी म्यूनसिपैलिटी हो गई है तो इसलिए एक नगर निगम गुरुग्राम का और बनाया जाए, ऐसा एक विचार चल रहा है और बहुत जल्दी इसका आप लोगों को एक शुभ सूचना मिलेगी कि हम अलग से मानेसर के क्षेत्र को विकसित करने के नाते से हमारा ये जो काम हो रहा है। इस प्रकार गुरुग्राम का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, गुरुग्राम की सर्विसेज हो, इसमें हमें क्योंकि आर्थिक दृष्टि से गुरुग्राम एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है हमारे लिए, चाहे सरकार का रेवेन्यू हो और उसके बदले हम जो खर्च करते हैं वो भी वहाँ पर एक बड़ी मात्रा में हर प्रोजेक्ट जो है वो हरियाणा के अन्य शहरों के लिए उदाहरण बने, इस प्रकार से हम कर रहे हैं। जैसे मानो जुडिशरी का है तो टावर ऑफ जस्टिस एक बहुत बड़ा वहाँ बनाया जा रहा है, तो इसी प्रकार हमारा जो अपना रेस्ट हाउस है पीडब्ल्यूडी का, हरियाणा का सबसे सुंदर रेस्ट हाउस 100 कमरों का, ये पीडब्ल्यूडी का गुरुग्राम के अंदर है। गुरुग्राम में ग्लोबल सिटी ये भी हम बनाने जा रहे हैं, जो एक बड़े क्षेत्र के अंदर गुरुग्राम का एक आर्थिक केंद्र गतिविधियों का ये सब बनेगा। तो ऐसे गुरुग्राम के बारे में एक
सारी सरकार के जो अच्छे विषय होते हैं वो सब वहाँ लागू करते हैं। GMDA खास करके, क्योंकि पहला एक डेवलपमेंट अथॉरिटी हमने गुरुग्राम में हरियाणा की बनाई है, वहाँ के काम सब हमारे कुंडू जी के माध्यम से वहाँ के नागरिकों के साथ तालमेल करके और वो सब किए जा रहे हैं। फरीदाबाद में भी इसी प्रकार की डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई है। आगे चल करके एक एक शहर में स्मार्ट सिटीज़ कैसे बने, डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ कैसे बने। गुरुग्राम हमारा स्मार्टेस्ट सिटी है, लेकिन दो सिटीज़ और हैं, फरीदाबाद है, करनाल है, दोनों को हमने स्मार्ट सिटीज नाते से ये सब किया है। तो आज के इस अवसर पर आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं समझता हूँ कि जो दोनों प्रोजेक्ट हैं जिनका इनॉग्रेशन करना है, उसकी मैं आप लोगों को आज्ञा देता हूँ कि उसको आप एक उसका उद्घाटन जो है वो आप वहाँ कर दें। मेरी ओर से इसकी परमिशन।